हम मिलवाते हैं एक आत्मनिर्भर युवा से, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर हमारा बिहार। हम बिहार के गोपालगंज में हैं, इस पार है सिवान और हम गोपालगंज में हैं। आप देख रहे हैं इंडिया हेयर कटिंग सैलून। नोट, हमारे यहाँ कटिंग शेप, फेशियल, मसाज, ब्लीच, हेयर कलर, बाल स्ट्रेट, बाल कटिंग होता है। यह कुछ फोटो लगे हुए हैं और मनीष कुमार ठाकुर हैं, इनका नंबर भी लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं बांस का एक ठाट बना दिया गया है। ठाट माने एक बाह्य आवरण बांस का है। यह बांस तीन जगह बांस लगाया गया और उसके बाद ऐसे बांस फाड़ करके यहाँ लगा दिया गया है। वाह, ऊपर क्या प्राकृतिक वातावरण है। यह ताड़ के वृक्ष हैं और ताड़ के पत्ते आप देख रहे हैं, ताड़ के पत्ते से यहाँ छाया रहती है। आइए, अब हम पहुँच गए हैं मनीष कुमार ठाकुर के सैलून में। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है और यहाँ कोई सुरक्षा भी नहीं है, लेकिन मनीष को डर किस बात का। जो आएंगे वह यहाँ बैठेंगे। क्यों मनीष? यहाँ बैठ करके अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे। देखिए, आपको बिहार में, उत्तर प्रदेश में इस तरह से बांस का माचा कहते हैं, इसे और क्या बोलते हैं? चचरा। चचरा, बांस का चचरा माचा। वाह 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 मनीष, बहुत बढ़िया। मनीष से हम बात करेंगे, उसके पहले आप एक बार कटिंग देखिए। क्या नाम है बाबू? मोहित। मोहित, बड़ा प्यारा नाम है जी। और मोहित 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 करने वाला बाल कटवा रहा है। ये कौन सी कटिंग है? कटिंग का नाम पता नहीं है, बस इसी तरह। कटिंग का नाम पता नहीं है, कैसे काम चलेगा? ये चलो, अब हम बात करते हैं मोहित मनीष से। मनीष, ये कौन सी कटिंग है? ये तो इंडिया हेयर कटिंग है। नहीं, इंडिया हेयर कटिंग आपका सैलून है ना, ये कौन सी कटिंग का? ये तो आर्मी मॉडल है। आर्मी मॉडल है, आर्मी मॉडल। तो हम इस समय गोपालगंज में हैं, ठीक है। तो यहाँ तो दुकान पर कोई सुरक्षा है नहीं, कैसे क्या करते हो? सामान ले आते हो? फिर सामान लेकर आते हैं और इधर कटिंग करते हैं। अच्छा, हमारे बात करने से इनका कट ना जाए? नहीं नहीं। तो आप रुक जाएंगे ना, एक मिनट हम बात करेंगे, तब तक कोई दिक्कत नहीं ना होगी? मनीष रुक जाओ, एक मिनट के लिए रुक जाओ। तो यह मिलिट्री कटिंग है। मिलिट्री कटिंग ज़्यादा कटवाते हैं क्या लोग, की हिप्पी रखते हैं? नहीं नहीं, इधर तो ज़्यादा मिलिट्री कटिंग कटवाते हैं। मिलिट्री कटिंग कटवाते हैं। तो मनीष, आप पढ़ाई कहीं किए हो कि नहीं? किए हैं, अभी करते हैं पढ़ाई। अभी करते हो? वाह वाह, बहुत बढ़िया। पढ़ाई किस क्लास में हुई हो? अभी मैट्रिक में। मैट्रिक? मैट्रिक में। तो कैसे जाते हो फिर? इधर आते हैं 8 बजे से। अच्छा, अभी तो बंद है स्कूल, मान लो बंद था। हाँ, तो अभी जाते हैं तो घर पर पढ़ते हैं शाम को। वाह वाह, ये है बिहार। बिहार में इहो बा, यह नहीं कहना है कि बिहार में का बा, बिहार में मनीष भी बा, जो मेहनत करता है, सैलून चलाता है और पढ़ाई भी करने जाता है। मुझे तो यह एहसास नहीं था, मैं तो दूसरे दृष्टि से वीडियो करने आया था, लेकिन मनीष मेहनत करता है और पढ़ाई भी करता है। बहुत बढ़िया मनीष। तो कब दुकान खोले थे यह? हम 6 महीने पहले खोले थे। 6 महीने? तो यह सब लगा करके कोई उद्घाटन भी हुआ था क्या? नहीं, इसका नहीं। अच्छा, विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा किए थे ना। हाँ, ऐसे। अच्छा, तो पूजा किए थे। यहाँ कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, कौन सा गांव है? यहाँ नधना का लोग खाली आते हैं, रामदाबेल का। नधना और रामदाबेल? राम रामदाबेल इधर है। अच्छा, तो इस गांव के लोग आते हैं। हाँ, यहाँ बनवाते हैं, सेविंग कराते हैं, बाल कटवाते हैं। हाँ, फेसियल वगैरह भी करवाते हैं क्या? हाँ। अच्छा। हाँ, तो फेसियल में कुछ अच्छा पैसा मिल जाता होगा? हाँ। ठीक है मनीष, बहुत बढ़िया, शुभकामना। कितना पैसा लगा था ये, जैसे टीन शेड में और या बांस का, किससे बनवाए थे? वो एक था मैंने गाँव का। अच्छा, तो कितना पैसा इसको बनवाने में लगा था? 3000 रुपये लगा था। सब मिला के 3000 रुपये में दुकान हो गई थी। और यह सब लेकर के? नहीं। हाँ, ये सब नहीं, ये सब का अलग से लगा। अच्छा, ये सब अलग से लेकर के बनाए थे। तो इसका कितना लग गया था? इसका तो लग गया था लगभग 2000 के। तो मशीन है? कौन सी मशीन 2000 की है? अच्छा, 2000 की यह मशीन है। तो इसको कैसे चार्ज करते हो? यहाँ तो बिजली है नहीं। घर पे चार्ज करते हैं। घर पर चार्ज करके लिए कितना देर तक चलता है वो? 4 घंटा। 4 घंटा चल जाएगा? हाँ। तब तो दिन भर का काम निकल जाएगा? दो दिन चलता है। दो दिन चलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो
अरे दिक्कत नहीं हो रही है भाई, भाई दिक्कत। अच्छा पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ते हैं। कहाँ? यहाँ सरकारी बगीचा। सरकारी में? अच्छा किस क्लास में? एट में। एट में। भोजन मिलता है कि नहीं सरकारी में? मिलता है। क्या बनता है? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी। हाँ। रोटी भी कभी बनती है कोई? नहीं, रोटी नहीं बनती। नहीं। दाल भात खा करके। दाल किस चीज की रहती है जी? चना का दाल। चना का दाल, चना पर ही काम चल जाता है। हाँ। और सब्जी में क्या बनता है? आलू और गोभी का, जब जिस सब्जी का सीजन रहता है वो सब। अच्छा, सीजन रहता है। रोटी कभी नहीं बनता। और मास्टर साहब लोग मारते हैं कि नहीं? मारते हैं सर। कैसे मारते हैं? डांटा सर। डंडा से ना? किस चीज का डंडा से? सर यही बांस को ही। अच्छा इसे ही बांस का। पीठ पर मारते हैं कि हाथ पर? हाथ पे। हाथ पर। मुर्गा भी बनाते हैं? नहीं, मुर्गा नहीं बनाते। मुर्गा बनने जानते हो ना कैसे बनते हैं? जी सर। हाँ, तो मुर्गा नहीं बनाते हैं, मारते हैं। दौड़ा दौड़ा के मारते हैं कि? नहीं सर, सवार नहीं दिखाते हैं इसीलिए मारते हैं, गलती हो गई। अच्छा, तो ये है। चलिए, हमने मनीष से बात किया। ये है, यह मत कहिएगा मनीष लोग। अभी अभी एक लड़की ने कहा था बिहार में काबा, सुने हो कि नहीं? नहीं, कभी नहीं सुने हो ना? नहीं। तो बिहार में यहोवा, बिहार में मनीष भी है। मनीष शुभकामना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारी पापा क्या करते हैं? पापा पंजाब में काम करते। पंजाब में काम। तो इसमें आ गए थे लॉकडाउन में? नहीं, उधर बैठ गए थे ना, तो गाड़ी वाड़ी बंद हो गया था, तो नहीं आया, नहीं आ पाए। अच्छा, इस गांव में कुछ बाहर से लोग भी आए, पैदल आए, कुछ लोग साइकिल से आए कि नहीं? नहीं नहीं। हाँ, पहले ही चलाए हैं। कितना लोग? लोग बहुत चलाक है जी। हाँ। पहले में लोग जान गए क्या कि लॉकडाउन होगा? ना, लॉकडाउन हुआ ना, अभी गाड़ी चालू था तभी चला। तभी लोग ढुक के चला आया, गाड़ी में ढुक गया, लोग ढुक के आ गया। तो अच्छा लगा। चलते हैं, देखते हैं हम। देखिए, गंडक नदी है और गंडक के किनारे हम हैं। गंडक के उस पार सिवान है और इस पार गोपालगंज है। यह ताड़ के आप वृक्ष देख रहे हैं, खजूर भी है। खजूर है, ताड़ है और इधर छठ माँ की पूजा होती है, तो इधर कुछ बेदी बना दिया गया है। एक छोटी सी चट्टी जैसा है। इधर आप देख रहे हैं कुछ सब्जी की खेती लोग कर रहे हैं और इधर भी खजूर है। खजूर का रस निकलता है कि नहीं सर? निकलता है। निकलता है? ये आपकी दुकान है क्या? हाँ, अच्छा, अरे वाह, क्या नाम है आपका? मुताम मियाँ। मुताम मियाँ, मुख्तार मियाँ। बहुत बढ़िया। एक मुख्तार और हैं विधायक, उनको जानते हैं कि नहीं? नहीं नहीं जानते। नहीं जानते हैं? यूपी का बड़ा बड़ा, नहीं जानते हैं? तो आप यहीं के रहने वाले हैं? नंधना के रहने वाले। अच्छा, नंधना के। तो साइकिल भी बनाते हैं आप और टॉफी बिस्कुट भी बेच लेते हैं? हाँ, बेचते दोनों हैं। काम। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कब से आप यहाँ दुकान कर रहे हैं? यहाँ पर हो गया साल भर। साल भर हो गया। तो चुनाव उनाव भी चल रहा है, कौन कौन लोग लड़ रहा है यहाँ? अभी हम नहीं बता सकते। नहीं पता है? नहीं, कौन विधायक है कुछ पता है आपको? नहीं, मेरे को नहीं पता है। मुख्तार मियाँ बेचारे नहीं जानते कि कौन यहाँ से है, कौन विधायक था, कौन लड़ रहा है। ये किसकी दुकान है भाई? अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो यह दुकान है आपकी, देखिए जुगाड़ है यहाँ। यह ईंट इसलिए लगाया गया है कि ऊंचा हो जाए। हाँ, ऊंचा हो जाए, बनाने में कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, क्या नाम है आपका? शहबाज आलम। शहबाज आलम। यह क्या लगाए हुए? इधर सफ़ेद है, उधर लाल है, कैसे? वो कलर है। कलर है, कौन सा कलर है? रेड कलर, वो कलर मेंट है। अच्छा, कलर मेंट है। तो यह कब यहाँ लगाया था? मड़ई कौन बनाया? झोपड़ी, वो झोपड़ी अब्बू बनाए। पहले वो अब्बू रहते थे यहाँ पे, तो अच्छा वही बनाए। अच्छा, पढ़ाई नहीं किए हो ना? किए हैं, करते हैं सर। अच्छा, वाह, करते हो पढ़ाई? हाँ, किस क्लास में? एट क्लास में। एट क्लास में कहाँ? वो सरकारी में। सरकारी में। खाना पीना मिलता है वहाँ? भोजन मिलता है। तो रोज मिलता है कि? हाँ, रोज। कभी कभी दाएं बाएं हो जाता है? ना, रोज मिलता है। अच्छा, रोज मिल जाता है। तो अच्छा, यहाँ ये ताड़ का रस निकलता है कि नहीं? निकलता है। ताड़ी निकलता है। कितना? एक एक लीटर कितना मिलता है, एक गिलास? नहीं जानते। अरे कुछ पता होगा ना कि एक गिलास कितने में आता है? पीने वाले बताते हैं ना जी? ना, पीने वाले वही 20 रुपया, वो 25 रुपया। 30 रुपया दे रहा है? 30 रुपया में एक गिलास। एक गिलास में कितना आता होगा? एक पाव? एक पौआ? एक पौआ। अरे अब जब वह मिलना नहीं है,
दारू वारू तो उतना मिलता नहीं है, नहीं थोड़ा बहुत इधर उधर से आ जाता होगा। हाँ। तो अब यही ताड़िये लोग पियेंगे। हाँ, ताड़ी पियेंगे। इससे भी नशा होता है क्या? हाँ, नशा होता है, झूमता है आदमी। तो यह कब निकलता है? अभी तो सीजन अभी नहीं, एक, है। अभी नहीं, एक महीने टाइम है सर। अच्छा, एक महीने में निकलने लगेगा। हाँ, एक महीने में निकलने लगेगा। तो यहीं के लोग उतारता है? हाँ, यहीं और यहीं बेचता है। कहाँ बेचता है? अब ये तो नहीं पता है कहाँ बेचता है, खेत उत में बेचता है। अच्छा, खेत उत में। हाँ। अच्छा, चोरी लोग का बेचता है लोग? नहीं, बेचता है लोग। हाँ, पेट पार नहीं, कुछ बेचता है लोग। ठीक है, आप लोगों तो बस खाली चाहिए, प्रूफ चाहिए, आप लोगों का प्रूफ चाहिए। अच्छा दीदी, आप बताइए, आप हम नहीं कुछ बताते हैं। अच्छा, वही काम बचा, ये यही के हैं? नहीं, ये बाहर का रहने वाले हैं। अच्छा, बाहर के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा। तो यह सब कितने में दुकान हो गया था तुम्हारा? पता नहीं सर, अब्बू जानते हैं। अब्बू जानते हैं, पढ़ाई करते हो और ये भी करते हो? हाँ, करते हैं। तो इसको करके फिर चले जाते हो, फिर अब्बू इसको देखते हैं? नहीं, अब्बू वो दूसरा जगह पे खोले हुए हैं। अच्छा, तो अभी छुट्टी है तो अब्बू बोले कि कोचिंग जाता हूँ सुबह, सुबह 8 बजे से सैलून खोल लेता हूँ। कोचिंग भी जाते हो? जी सर। कितना कोचिंग वाला लेता है? 100 रुपये। 100 रुपया, बहुत अच्छा। कोचिंग में क्या पढ़ते हो? यही सब मैथ जो पढ़ते क्लास में। अच्छा, विधायक कौन है आपके यहाँ? वो बड़हड़िया का श्याम बहादुर। अच्छा, वो जो नाचते हैं ना? हाँ, वही नाच देखे हो विधायक? हाँ, देखे हैं। और तुम्हारा विधायक कौन है? हमारा विधायक वही ना है। अरे, इधर तो गोपालगंज का दूसरा। हाँ, तो हम सिवान जिले के। अच्छा, सिवान जिले के। चलिए भैया, ये हमने दिखाया है। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। स्वरोजगार की बात हमने किया, आत्मनिर्भरता की बात किया, यहाँ की नब्ज टटोला और बिहार में यहोवा, मतलब जैसे अपना व्यवसाय करते हुए पढ़ाई भी करना है, यह एक सुखद अनुभूति का कारक है। और बिहार को इसी नाते हम उत्कर्ष की ओर देख रहे हैं कि यह उत्तर उत्तर प्रगति कर रहा है। धन्यवाद, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए।